कक्षा 2 के बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को व्याकरण का पहला लेसन, चैप्टर 1 भाषा व्याकरण वन भेद। आप लोग जानते होंगे व्याकरण उसे कहते हैं जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब भाषा किसे कहते हैं? अब देखिए, एक दूसरे की बात जानने समझने का माध्यम भाषा है। हम अपने मन की बात भाषा के माध्यम से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। किसी एक भाषा का प्रयोग करने वाले समुदाय में लाखों करोड़ों लोग होते हैं। सभी लोगों के स्वभाव एवं विचारों में पर्याप्त भिन्नता होती है। इस भिन्नता का असर उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा पर भी होता है। इस कारण किसी भाषा में भिन्नता और बिखराव पैदा हो जाने की संभावना बनी रहती है। इस भिन्नता और बिखराव को रोकने के उद्देश्य से सभी भाषाओं में नियमों, रीतियों एवं व्यवस्था की गई है। भाषा संबंधी नियमों और रीतियों की व्यवस्था करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अब हम लिख करके अपनी बातों को प्रकट करते हैं, आप लोग जानते होंगे वो लिखित भाषा कहलाता है। जब हम बोल करके अपनी बातों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाता है। अब है भाषा का स्थिर रूप रखने और उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाते हैं। भाषा में वाक् का प्रयोग होता है। वाक् शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्दों की रचना वर्ण से होती है। देखिए, वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब शब्द को सार्थक मेल करते हैं तो वाक्य में वो बदल जाता है। वाक् ही एक पूर्ण भाषा है। जब अपनी बात को पूरी तरह, मेरी बात को कोई पूरी तरह समझ जाता है तो वो भाषा कहलाता है। अब देखिए, वर्ण है, कुछ वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब देखिए, हमारे वर्णमाला में स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, अनुस्वार होते हैं, एक संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन है जो दो वर्णों के मेल से बनता है, एक वर्ण और व्यंजन वर्ण क से लेके और 35 वर्ण होते क से लेके और यहाँ तक यहाँ तक। अब स्वर वर्ण है हो गया एक चैप्टर पढ़ा।